पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताने के लिए प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार को राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की। आपको बता दें, इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद दिखे। बैठक में आज के संकट काल में कोविड महामारी, लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि, एक्साइज ड्यूटी व वैट के अधिकतम फीसदी गैस सिलेंडर, न्याय योजना, सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई आदि विषयों पर केजरीवाल की असफलता उजागर करने के लिए सभी ने अपने सुझाव दिए। अनिल चौधरी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान बढ़ती महंगाई, वैट और एक्साइज ड्यूटी में अत्यधिक बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। इस दौरान सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार को कोई इजाफा होता नहीं दिखा है। दोनों के दामों में स्थिरता दर्ज की गई है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।